राम राम किसान भाइयों, आओ हम सब मिलकर सम्मान करें और किसानों को भी सलाम करें। हमारा टैगलाइन है, किसान हीरो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, तो बात करें किसान भाइयों की, आपकी जो धान की फसल लगभग 7 दिन से ज़्यादा हो गई होगी और इस समय कुछ फंगीसाइड है, इनसे साइडों का इसमें प्रकोप होता है, काफ़ी बड़े पैमाने में प्रकोप होता है, काफ़ी बीमारियां दिखने को मिलती हैं धान की फसल में। काफ़ी जो किसान भाइयों हैं वो इस चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जिससे उनकी पैदावार 30 से 40% घट जाती है। तो किसान भाइयों, हम आपको लक्षण भी बताएंगे और उसके साथ साथ कौन से हम रासायनिक दवाओं का यूज करेंगे, जिससे किसान भाइयों यूज करके उसके अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों अपने धान की। तो किसान भाई बताते हैं, जो चलते हैं सबसे पहले जो किसान भाइयों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है सीड ब्लाइट की। किसान भाई बताते हैं, जो सीड ब्लाइट होती है काफ़ी किसान भाइयों इसको इग्नोर कर देते हैं, किसान भाई को पता ही नहीं चल पाता कि हमारे धान की फसल में बीमारी लगी है। होता है किसान भाई, जो कि तनों में आप देखेंगे तनों और पत्तियों में पीले पीले बड़े बड़े धब्बे होते हैं किसान भाइयों, ये होता है थीस ब्लाइट का। इस किसान भाई ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है कभी ज़्यादा बारिश हो रही हो, ह्यूमिडिटी 80 से 100% की हो, और क्या कहें जो टेम्परेचर किसान भाइयों हो वो कम से कम 22 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो, इस सिचुएशन में जो थीस ब्लाइट का प्रकोप होता है ये काफ़ी बड़े पैमाने पर किसान भाइयों लगता है खेत में। और जो हम बताते हैं ये बहुत स्टार्टिंग से थोड़े थोड़े होते हैं, उसके बाद बहुत तेज़ी से ये खेत में पूरे खेत में फैल जाते हैं। उससे क्या होता है किसान भाई, इसकी वजह से हमारे जो पैदावार है उसके तो 30 से 40% घटाता ही, साथ में जो हमारी क्वालिटी होती है धान की उसको भी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी धान जो कलर होती है उसकी कलर में इफेक्ट आ जाते हैं, उसमें भी धब्बे पड़ जाते हैं। आप देखेंगे तनों से धीरे धीरे पड़ के सिरों तक पहुँच जाते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं किसान भाइयों। तो हम बताते हैं अगर ऐसी प्रॉब्लम किसान भाई आपके देखे जाएंगे धान की फसल में, आप देखिए उसके तनों में ऐसी धब्बे तो नहीं दिखाई दे रहे, अगर दिखाई दे रहे किसान भाइयों तो सबसे पहले उसमें रासायनिक दवाएं हम बता रहे किसान भाई, उसको आप यूज करके अपनी धान को फसल को बचा सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाई हम बताते हैं इसकी जो रासायनिक दवा है ये पल्सर आती है, फंगीसाइड, पल्सर फंगीसाइड होती है किसान भाई, मार्केट में इजीली आपको मिल जाती है, आप इसी दवाओं का यूज करके आप अपनी फसल को बचा सकते हैं किसान भाइयों। और जो बताते हैं कि ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो किसान भाई होते हैं जैसे हमने अपने खेत को तैयार किए धान की फसल की, जब हम लोग खेत तैयार करते हैं जुताई के बाद उसमें पाटा लगाते हैं सिंचाई करने के बाद किसान भाइयों, तो ये क्या करते हैं जैसे अगर पिछली फसल में है तो पिछली फसल में ये खेत में ही रह जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं जैसे हम पाटा वाटा लगाए तो ये खेत की जो बाउंड्री होती है इसमें घास फूस लगे होते हैं, वहाँ बाउंड्री पर घास फूस में छिप जाते हैं। उसके बाद क्या होता है किसान भाई, जैसे हम उसकी रुपाई करते हैं धान की नर्सरी तैयार करके जाकर रुपाई करते हैं इसको खेत में ला के, तो किसान उसमें देखता है कि ये क्या करते हैं वो जो घास फूस में होते हैं घास फूस से धीरे आपके पौधे पर अटैक कर देते हैं, ये पौधे में धीरे 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 लग जाते हैं, धीरे धीरे लगने के बाद इसकी ग्रोथ करते हैं और बहुत तेजी से आपके पूरे खेत में फैल जाते हैं किसान भाई। तो किसान भाई अगर खेत में फैल गया तो किसान भाई जो आपकी पैदावार है किसान भाई वो 30 से 40% घटा देती है, जो काफ़ी नुकसान होता है किसान भाइयों को। तो बात कर रहे हैं कि किसान भाई ये क्या करें, तो हम बताते हैं पल्सर फंगीसाइड है किसान भाई, ये ला के आपको 200 ml को 140 लीटर घोल बना किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं। सबसे पहले किसान भाई अपने बाउंड्री में छिड़काव करें, उसके बाद पूरे खेत में छिड़काव करें। बाउंड्री में इसलिए करें किसान भाई, जो बाउंड्री में जो घास फूस होते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा पहले उन्हीं के वहीं पर होती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो अपने खेत में एंट्री करते हैं धीरे बहुत। अगर आप पहले ही तरह किसान भाइयों आप पहले ही मतलब अगर छिड़काव कर दे रहे हैं तो देखेंगे कि आपका काफ़ी मतलब रोक हो जाएगा। अब उसके बाद 10 से 15 दिन आप के बाद भी अगर पूरे खेत में आप छिड़काव कर रहे हैं रासायनिक का उसका पल्सर फंगीसाइड का, तो किसान भाई आराम से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद बात कर रहे हैं किसान भाइयों की, जो भूरा तेला होता है, माहू होता है, ऊपर होता है, इनका भी जो प्रकोप होता है किसान भाइयों ये भी बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है किसान भाइयों। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कि अगर आप चेक करना चाहते हैं अपने खेत में किसान भाइयों की हमारे खेत में भूरा तेला या माहू या ऊपर का प्रकोप है कि नहीं, तो बहुत आसान है तरीका किसान भाइयों, ऐसे अपने आँखों से नग्न आँखों से नहीं देख सकते, हालांकि बहुत सुई की नोक के लगभग बराबर होते किसान भाई, जो बहुत रेयर केस में हम देख सकते हैं, लेकिन उसका बहुत आसान तरीके किसान भाई। आप करना क्या किसान भाई, आप कोई सादा सा प्लेन पेज ले लीजिए किसान भाइयों, उसके बाद आप खेत में चले जाएं किसान भाइयों, और उसके बाद क्या करें खेत में जाने के बाद किसान भाई क्या करें कि आप उसके जो तने हैं धान के उसको वहाँ पर रख के पौधों को बहुत तेज़ी से हिला दें, इसमें जो भी मतलब कि माहू तेला होपर होंगे वो किसान भाई झड़ के उसी पेज पे चले जाएंगे, इतनी छोटी छोटे होते हैं जो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन पेज पे जैसे ही वो लोग गिरेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा भूरा जो होता है, जो भूरा तेला होता है, होपर होता है, माहू, ये तीनों चीज़ें देखने को किसान भाइयों मिल जाती है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं जो हमारी ये भूरा तेला है, माहू है, होपर है, ये हमारे खेत में अटैक हो गया है। तो किसान भाई इनके लिए हम क्या क्या करें, कौन सी रासायनिक यूज करें जिससे हमें कंट्रोल किया जा सके, तो किसान भाई उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर किसान भाई हम बता दें अगर ऐसा आपको 1, 2, 3, 4 देखने को मिले तो किसान भाई तब भी आप छिड़काव जरूर करें। होता है क्या किसान भाई, स्टार्टिंग में आपको 1, 2, 3, 4 ही देखेंगे, भूरा तेला हो सकता है, होपर हो सकता है आपका, उसके बाद जैसे किसान भाई आप देखेंगे
कि माहौल जैसे होंगे, तो माहौल तो ज़्यादातर प्रॉब्लम के सामने, जैसे गन्ने के खेत के आसपास अगर आपने धान की फसल लगाई है तो वहाँ ज़्यादा ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन अगर जहाँ पे मतलब गन्ने की फसल नहीं है, धान की फसल सारे लगी है, तो वहाँ इसका प्रकोप कम देख रहे हैं। किसान में अगर दो तीन दिखे तो आप छिड़काव कुछ दिन बाद भी कर सकते हैं, अगर जाते पैमाने पर आपके यहाँ दिखे ये माहौल ऊपर तो कीड़ा, तो किसान भाई आप जल्द से जल्द उसकी रासायनिक दवाओं को तो बता दें किसान में कौन कौन सी दवाएं जो आप यूज कर सकते हैं। तो जो पहले नंबर पे आती है किसान भाइयों, पाइसीन करके आती है, ये इंटरसेप्टिसाइड है किसान भाई, वही मार्केट में अवेलेबल है, और बहुत से दो तीन है किसान। जो किसान भाई दूसरे नंबर की बात आती है, चेस इंटरसेप्टिसाइड है जो किसान भाई काफ़ी मात्रा में, इसकी भी 100 ग्राम की आती है, 100 ग्राम इसको लेके आप घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद पिक्सालोन इंटरसेप्टिसाइड है जो किसान भाई काफ़ी इसको भी लगा के यूज कर सकते हैं बड़े पैमाने पे, और इसका भी मतलब 94 ml लेके हम 140 लीटर घोल बना के उसको छिड़काव कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है किसान भाई। तो आशा करता हूँ किसान भाई ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो किसान भाई आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को किसान भाई सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो आज के लिए बस इतना ही है। जय जवान जय किसान।